अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल 6 प्रो के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेवल का मोबाइल है हमारे पाकिस्तान में। अभी अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, जो कि किट्स में अवेलेबल है मार्केट्स में और बॉक्स पैक में भी आपको कहीं मिल जाए, लेकिन बॉक्स पैक आ नहीं रहे हैं पीछे से। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको ये मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और ये आपको कम से कम कितने रेट में मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रेट में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है आपको एक छोटी से छोटी चीज़ की नॉलेज हो जाए और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इतने पैसे में ये गूगल पिक्सल 6 प्रो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि यार हम ना इसको व्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हैं, हम इसको टिकटॉक के लिए लेना चाहते हैं, तो क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब है कि देखें, ये कैमरा इसका बहुत प्यारा है इसका, और 4K रिकॉर्डिंग है, 1080p 60fps 120fps पे इसकी है, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये गूगल पिक्सल 6 प्रो की है। ये पूरी वीडियो मैंने गूगल पिक्सल 6 प्रो से बनाई है, और आपको कैमरा का आइडिया सही से हो जाएगा। इसके अंदर मैंने ना कोई फ़िल्टर लगाया है, ना ही इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट डाला है मैंने, जो भी है बिल्कुल सब कुछ ओरिजिनल है। तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत ही स्टार्टिंग होती है हमारे सिनेमैटिक्स से। इस कैमरे के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि सिनेमैटिक मोड पे आप क्लिक करके जब आप वीडियो बनाएंगे तो स्टेबलाइजेशन आपकी वीडियो की बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ और कैमरा मेरा कुछ ज़्यादा हिल नहीं रहा है, तो स्टेबलाइजेशन बहुत प्यारी लगी मुझे इसकी। बहुत ज़्यादा मतलब आपके सामने देखें मैं कितनी स्पीड में चल रहा हूँ। असल में इसमें जो सेटिंग्स दी हुई हैं सिनेमैटिक्स की, हमें इसमें एडिटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत से जब एडिटिंग हम कर रहे होते हैं सिनेमैटिक्स के लिए तो हमें स्पीड अप एंड डाउन करनी पड़ती है, लेकिन इसमें सब कुछ होती है ऑटोमेटिक। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो मोड पे चल रही है, तो इस पर मैंने स्लो मोड पे मैंने कुछ नहीं किया था, कि ऑटोमेटिक स्लो मोड पे चलता है ताकि सिनेमैटिक शॉट्स अच्छे से रिकॉर्ड हो सकें। वो थी थोड़ी सी लाइटिंग वाली जगह, और यहाँ पे थोड़ी सी लो लाइटिंग की जगह आ जाती है। हम एक स्ट्रीट की तरफ से जा रहे हैं जहाँ पे लेफ़्ट और राइट पे ग्रीनरी है, तो आपके सामने शाम का तकरीबन 5:30 या 6 बज रहे थे जब मैंने ये वीडियो बनाई, तो मेरे आइडिया से मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइटिंग जो है ये बहुत बहुत प्यारी लाइटिंग आ रही है। तो दोस्तों बात की जाती है पैसों की, तो ये हमें कितनी रेंज से कितनी रेंज तक हमें लेना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी मार्केट रेट जो इसके चल रहे हैं 65 से लेके 85 के दरमियान मार्केट रेट्स चल रहे हैं। क्या है कि उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, किसी का ग्लास टूटा हुआ है, किसी के ऊपर डॉट है, किसी के ऊपर शेड है, कोई नॉन पीटी है, कोई अन फैक्ट्री अनलॉक्ड है, कोई लॉक्ड है, इस तरह की कैटेगरीज आपको मिलेंगी। तो मेरी सजेशन ये है, जब भी आप मार्केट जाओ मोबाइल लेने, तो आपने सबसे पहले उसको चेक करना है कि उसके ऊपर कोई डॉट या कोई शेड तो नहीं है, या फिर उसकी फैक्ट्री अनलॉक OEM अनलॉक है या नहीं है। अगर अनलॉक है तो गुड, वेल एंड गुड है, क्योंकि आपकी वो 2 महीने फैक्ट्री अनलॉक पे सिम चलाएगा, 2 महीने बाद वो सिम नहीं चलाएगा, क्योंकि वो नॉन PTA होता है, और PTA का टैक्स कम से कम 50,000 या फिर 80,000 या फिर 1 लाख के अंदर है। मतलब कह सकते हैं कि 50,000 से 1 लाख के दरमियान इसका PTA टैक्स है। बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत प्यारी है, और ये कैमरे की रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है, फील आती है ऐसे कि जैसे आप कुछ कर रहे हो। ये आपके सामने फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा में बिल्कुल ओरिजिनल फील आ रही है, जैसा मैं लग रहा हूँ जैसा मैं हूँ वैसा ही मुझे फील हो रहा है, तो मतलब इसमें कोई फ़िल्टर नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे मैंने वीडियो मोड ऑन किया और मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, तो ये इसकी जूमिंग है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि सब कुछ ओरिजिनल टाइप दिख रहा है, कुछ भी मतलब कलरिंग एक्स्ट्रा नहीं है, कहीं पे लाइट मतलब टूट नहीं रही है, बहुत ही ओरिजिनल टाइप क्वालिटी। आप देख सकते हैं कि जूम करते हुए भी बैकग्राउंड पे हल्का हल्का सा ब्लर फील हो रहा है, लाइक DSLR फील आ रही है जैसे होना चाहिए। अब बात आती है कि आप ये मोबाइल आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए मेरी सजेशन ये है कि जो आईफोन यूज़र हैं, आईफोन यूज़र अगर इस तरफ मूव होता है तो मुझे नहीं लगता उसे मज़ा आएगा, क्योंकि आईफोन का एक अपना ही लेवल है, आईफोन का एक अपना ही स्वैग है। जैसे कि आप जो आईफोन यूज़र हैं उनको मुझसे ज़्यादा आइडिया होगा, क्योंकि वो आईफोन चलाते हैं, तो उनको आइडिया होगा कि आईफोन की क्वालिटी स्टैंडर्ड हर चीज़ क्या है, उनको वो खुद आइडिया होगा। और रही बात एंड्रॉयड यूज़र्स की, तो एंड्रॉयड यूज़र्स में ये बाप फ़ोन है, बाप फ़ोन मतलब कहेंगे कि एंड्रॉयड में इससे बेहतर मोबाइल
इस रेंज में आपको नहीं मिलेगा। इस रेंज में आपको इस कैमरे इस टाइप का कैमरा, इसकी जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स हैं वो मैंने वीडियो के एंड में सजेस्ट किए हैं, जस्ट शो करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि पोर्ट्रेट पिक्चर्स इसकी किस तरह की हैं होना चाहिए। और ये वो वीडियो है जो मैंने इसी मोबाइल से 6 प्रो से बनाई है। क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी क्वालिटी है पोर्ट्रेट मोड पे, पूरी लाइटिंग आ रही है, मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी कैमरे की। जो बात है कि मतलब 14 प्रो मैक्स के साथ ये मोबाइल टक्कर करता है। पोर्ट्रेट मोड पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, कोई फिल्टर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है। मैं अपने नंबर इसको देना चाहूँगा 10 में से 9 नंबर मैं इस मोबाइल को देना चाहूँगा वर्सेस आईफोन 13, क्योंकि इस मोबाइल का कैमरा, बैटरी टाइमिंग और भी बहुत सारे फीचर्स में बहुत ही अच्छे अच्छे लगे। तो अभी इस मोबाइल को यूज़ किए हुए तकरीबन एक दिन ही हुआ है जो कि आपके सामने इस पिक्चर को मैंने जूम करके लिया था, इसलिए आपको पिक्सल थोड़े से फटे हुए लग रहे होंगे। फिर ये पोर्ट्रेट पिक्चर्स हैं आपके सामने, अब ये पिक्चर चेक करें आप, और ये पिक्चर चेक करें, ये 20x जूम पे पिक्चर है। और ये मोबाइल मुझे इतना पसंद आया कि अब मैं इसका खुद बिज़नेस कर रहा हूँ। तो अगर आप दोस्तों में से किसी को भी इस मोबाइल को लेना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग मुझसे रابطہ कर सकते हैं। मैं आपको गूगल पिक्सल 6s 6 प्रो और 7 प्रो अच्छे रेट में दिलवा सकता हूँ। ये कराची वालों के लिए स्पेशली ऑफ़र है, और रही बात दूसरे शहर के लोगों के लिए तो वो ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं मुझसे। मज़ीद डिटेल के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और ये नाइट में वीडियो शूट की जो रिकॉर्डिंग मैंने की है ये सबसे लास्ट में डालनी पड़ी, क्योंकि मुझे वेट कर रहा था मैं कि रात हो जाए ताकि फिर मैं नीचे जाके आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं कि रात के टाइम इसकी स्टेबलाइजेशन वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो ये 1080p सिनेमैटिक्स पे मैं शूट कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है। और भी इसकी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स थी लेकिन मैंने सेटिंग्स को नहीं छेड़ा है, ये है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये फर्स्ट रिव्यू गूगल पिक्सल 6 प्रो का ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।